दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। सदर पुलिस की ओर से बिलासपुर शहर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वालों को लगातार दबोचा जा रहा है। वहीं पुलिस ने बिलासपुर शहर में बस अड्डे के समीप एक कार्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पकड़ा है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में चोरी का सामान खरीदने वाले व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच जारी है। TDS कार्यालय में ना चोरी हुई थी, उसकी रिपोर्ट हुई थी यहाँ पुलिस स्टेशन में कि वहाँ से एक फ्रिज और कुछ कुर्सियाँ वगैरह चोरी हुई थी। तो उसमें जो है ये जो चोरी का जो सामान है ये हमने टेलर से बरामद किया, जो जिसने एलिज किया कि भाई ये जो है चोरी की कुर्सियाँ उसने एक चोर से ली थी। तो जो उस चोर को भी हमने गिरफ्तार किया हुआ है और उनसे सर जो सारे सामान की जो है बरामदगी कर ली है। सर शहर में देखिए जी, जितने भी यहाँ लगभग चोरियाँ हुई हैं वो सारे चोर हमने लगभग सभी चोरियों में हमने गिरफ्तार किए हुए हैं, छुटपुटे का देखो छोड़कर, अदरवाइज हमने सब चोरों को गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन ये जो जिस प्रकार थोड़ा चिट्टे की लत के कारण ना ये जो लोग नशे में कुछ भी कर देते हैं रात को, तो मेरी लोगों से ये अपील है कि वो अपने बच्चों को भी इस चिट्टे से दूर रखें। और मेरी आम जनता से अपील है कि जो चिट्टा एक बहुत ही भयानक नशा है, जिसके कारण जो है मतलब युवा वर्ग जो हमारा ये इसमें दलदल में घुसता जा रहा है और एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जो है नज़र रखें कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।